गालां कढ़न दा कारण कुछ नहीं है भाजी, ये अपनी हार तो बुखला गए ने। कोई गल नहीं, हारां जित्तां हुंदियां। सिद्धू साहब हार गए ने, चन्नी साहब हार गए ने, सारे हार गए ने, बादल साहब हार गए ने, सारे हार गए ने यार। कोई गल नहीं, आपां मंथन कर मंथन करदे वर्कर नूं मिला के, तुसीं दूजे मैनूं कहंदे आपां 10 बंदे 20 बंदे होर लैके आंदे, इह तां डिमोरलाइज करन वाली गल आ। वर्कर नूं वी तुसीं इहनां दी पहली स्पीच देख ली जिद्दन आपां हार के बाहर आए, उस दिन ही कहा बाद जिन्नी मर्जी स्पीचा दे लो कुछ नहीं पैंदा, पहली स्पीच का मुल पै जांदा। तुसीं उदों ही इन्नी गल कहती कि जाओ मेरे को पिछे हो जाओ, सारे चल जाओ ओपोजिशन चले जाओ, दूसरे पास में चले जाओ, यह गल्लां होंदियां। हलका पुआ तो कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके जोगिंद्रपाल अक्सर अपनियां गल्लां करके सुर्खियां विच रहिंदे हन। पहला तो स्थानक लोगों नूं धमकाउंदे सी, लेकिन हुण 2022 दे विधानसभा चोणां विच हार दे बाद अपने कांग्रसी वर्करां ते ही दबाव बनाउण लगे हन। अजिहा कुछ देखण नूं मिलिया है कस्बा सरना विच, जिथे साबका विधायक जोगिंद्रपाल वल्लों कांग्रेस दे ही हलका पुआ दे वर्किंग प्रधान गोल्डी सरना दे नाल किसे गल नूं लै के मामला इन्ना गर्म हो गया कि मौके ते पहुंची पुलिस ने इन्हां नूं शांत करवाया है। इस मौके ते पुलिस दा कहना है कि दोवां दे विचकार किसे गल नूं लै के झगड़ा होया सी, जिस मामले की जांच की जा रही है। झूठे लग रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि गल कुछ नहीं है, गल हल्के विधायक रहे ने, वो विधायक हूँ नहीं है, विधायक पहला से। मैं डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेजिडेंट पठानकोट गोल्डी संजीव कुमार गोल्डी, MLA साहब अज आए सी, अज उन्होंने मिलन का मेरा मौका मिलया, बैठे से कितने तो मैं उन्होंने इन्नी गल की कि MLA साहब जो भी उन्होंने ऑफिस बनाया, मेरे फ्रेंड भी उत्थे बैठे सन, हाँ मैं खुद ही गया उत्थे कि हाँ जी पता लग गया सी, क्योंकि वर्किंग बड़ी की है ना MLA साहब के नाल, ठीक है जी। तो जो 5 साल बंदे ने एक इमानदारी वफादारी पार्टी ने काम किया हो तो बंदा कहता भी चलो गल तो करता ही है। MLA साहब का रवैया रवैया थोड़ा मेरे नाल जोगिंद्रपाल जी का ठीक नहीं सी। असी जोगिंद्रपाल जी ने इन्नी गल की कि मैं क्या भाजी अगर कोई यही गल हैगी है तो असी आप दूसरे कमरे च बह गए, कुछ भी है आप गल कर लें। मैं अपनी ईमानदारी वफादारी पार्टी लिए तो जी की है, मैं तो कोई जोड़ा बंदा तो पहला अपनी नहरों को सच्चा है, दिलों सच्चा उन्होंने सफाई देने की जरूरत नहीं पैंती, जे इन्नी वर्किंग करके अब सफाई देनी पै जाए तो फिर वही गल नहीं। तो फिर भी अपना व्डा भरा से आप गल कर दी, तेरे मैं गल नहीं कहते करनी, मैं भाजी कोई गल नहीं आप बह के गल कर लें, गल क्यों नहीं कहना छोटे रहा। इस दौरान कि उन्होंने मैनू भैनों दिया कुड़िया दालं कड़ी, इन्नी गल हुई है और कुछ नहीं। जिहड़ा कि जवाब कहिंदे आ भी जे कोई चपेड़ कोई फिर मारे अगली दूजी गल अगे नहीं करनी चाहिए, वह जवाब देना चाहिए। इन्नी गल हुई है जी, और सारे ने सानू पिछे कर दिता, आप अपने मेरा फ्रेंड है मेरा मुकेश कुमार मोनू चक्की वाला आप खुशी से आ गए हैं। मैनू इन्नी गल कही गई है कि तुहाडे ते कंप्लेंट की ऑनलाइन, पर मैं इन्नी गल कहना चाहना कि MLA साहब हार जीत नाल हुंदी है। असी तो अज की डेट के मैं इन्नी गल कहते पे हो कि गोल्डी सरने ने जा मैं इस तरह किया इस तरह किया, पर तुसी 5 साल कितने सी, तुसी भी अपनी इस जबान से लगाम रख दे। अज जो जबान से लगाम रखी होंगी तो यह रवैया अच्छा हार का मूहरा देखना पैंता। असी तो वर्कर सी, अभी तो वर्किंग की ना भाजी मैं कोई सरपंच ना कोई मैं MC ना मेरे को फंड आते, मैं थोड़ा कि अपने फंड मैं मिले से तो मैं सरपंचा जाके देने से MCA फंड देने से जाके कि भाजी तुम इस तरह आया तो मेरे को फंड आया। असी तो भाजी वर्किंग कर सकते थे, झंडा चुक सकते थे, स्पीच दे सकते थे, तुम वोटा पानिया तुम वोटा पानिया साड़ी वर्किंग दे, बाकी तो सब कुछ MLA साहब तुम करना सी, पर फिर भी अपने को एक अहुदा आया, आप रिस्पैक्ट करते आप प्यार गल की, तुम्हें गाला ना जवाब दिता जो तुम मिलया ना, इन्नी गल कुछ हुई है। आप अपने वापिस आ गए हैं तो हूँ उन्होंने मैंने क्या पता लगे कंप्लेन की है, उन्होंने कंप्लेन भी की है तो मेरी भी कंप्लेन ऑलरेडी जा रही है, क्योंकि गाला कटिया तो गाला मैनू भी गाला कटिया पहल तुम की है उन्हें भाजी मैं कंप्लेन कर रहे हैं। इन्नी है क्यों कटिया गाला कढ़न का कारण कुछ नहीं है भाजी, ये अपनी हार तो बुखला गए ने। कोई गल नहीं, हारा जित्त हुंदियां, सिद्धू साहब हार गए ने, चन्नी साहब हार गए ने, सारे हार गए ने, बादल साहब हार गए ने, सारे हार गए ने यार। कोई गल नहीं, आपां मंथन करदे वर्कर नूं मिला के, तुसीं दूजे मैनूं कहंदे आपां 10 बंदे 20 बंदे होर लैके आंदे, इह तां डिमोरलाइज करन वाली गल आ। वर्कर नूं वी तुसीं इहनां दी पहली स्पीच देख ली जिद्दन आपां हार के बाहर आए, उस दिन ही कहा
बाद जिन्या मर्जी स्पीचा दे लो कुछ नहीं पैंदा, पहली स्पीच का मुल पै जाता। तुसी उदो ही इन्नी गल कहती कि जाओ मेरे को पिछे हो जाओ, सारे चल जाओ, ओपोजिशन चले जाओ, दूसरे पास में चले जाओ, ये गल्ला होंदी है। हुण अगे तुहाडा की एक्शन रहेगा? मेरा एक्शन इस टाइम तो यही है जी, कंप्लेंट गाल का जवाब गाल नाल है, कंप्लेंट का जवाब कंप्लेंट नाल है। अगर जिस तरह मेरे तो पुलिस को एक्शन कर दी है कोई गल नहीं, मान सत्कार जो है बराबर भी हकदार वह भी ने, उन्होंने भी जितना का एक्शन मेरे से होगा उस तरह का उन्होंने भी होगा नाल जी। यह डेढ़ सवाल राजे की दुकान अंदर बैठे हुए थे जिथे गोल्डी सरने ने आके उन्होंने बदतमीजी की तो उन्होंने गाल मंदा किया, संबंध चाहे जो कानूनी कार्रवाई बनेगी। हो रहा है एक नवी क्रांति का आगाज, घर बैठे सरकार तक पहुंचाओ अपनी आवाज, होवे पंजाबी बोली दा मुद्दा जां जलियांवाले बाग दे खूनी पल, हुन लिया जावेगा हर एक चीज दा हिसाब ते ब्रिटिश सरकार नू पार्लीमेंट विच देना पवेगा जवाब। पंजाबी भाषा चेतना बोर्ड यूके दी एक अनोखी पहल पंजाबी लैब है, अज ही डाउनलोड करो, नाल ही हर एक इन्फॉर्मेशन भर के अपने MP नू ईमेल राही सबमिट करो जो बनेगी तुहाडे अते तुहाडे बच्चियां दी साथी, करेगी तुहाडे हक्कां दी राखी। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।